आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलें चलते हैं ताजा खबरों की ओर। इंडिया आज तक न्यूज। विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का शिवसेना द्वारा पुतला दहन। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहानपुर उस समय अधिकारियों के होश उड़ गए जब शिवसेना दल बल के साथ स्वास्थ्य केंद्र सिंधोली धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पुतला फूंक दिया और जब तक मांग न पूरी होने के कारण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारी हड़कंप को देखकर सिंधोली स्वास्थ्य केंद्र बिरभारी डॉक्टर गौरव सक्सेना अपनी कुर्सी छोड़कर भाग निकले। फिलहाल भारी हड़कंप को देखते हुए सिंधोली थाना अध्यक्ष जय नारायण पांडे मौके पर पहुंच गए। मामला रफा दफा करा दिया और थाना अध्यक्ष ने शिवसेना को समझाते हुए ज्ञापन लेकर कहा, आपका ज्ञापन हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया जाएगा। आपको बताते चलिए, मामला भ्रष्टाचार को लेकर सिंधोली स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। पंडित कृष्ण मुरारी अग्निहोत्री जिला महासचिव, राम सनेही शर्मा जिला उप प्रमुख, पंडित सतपाल मिश्र जिला प्रमुख, अमित कुमार गुप्ता जिला युवा उपाध्यक्ष, मोहम्मद आदिल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट धर्मेंद्र मिश्र, शाहजहानपुर। इस समुदाय केंद्र पर सबसे पहले तो महिला का ही शोषण करती है। यहाँ पर गौरव डॉक्टर की दया पर संगिनी महिलाएं आशा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करती हैं और उनको परेशान करके उनसे रिश्वत ली जाती है और जो रिश्वत नहीं देती हैं तिनके साथ दुर्व्यवहार होता है। गौरव सक्सेना इसमें पूर्णतः दोषी है और इनके बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं। ये बच्चों की भी पूर्ति इस अस्पताल में करते हैं। तो इतना भ्रष्ट योगी सरकार में ऐसे कर्म हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है कि योगी सरकार जागे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की सेवाएं भी समाप्त कर दे और उन महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार और रिश्वतखोरी बंद कराई जाए। किसका पुतला दहन किया आप? हमने मुख्य विकास अधिकारी, जो चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हमने पुतला दहन किया है कि वो एक नाग बना बैठा है, केवल कार्यालय में बैठा रहता है, कोरोना का वास्ता देता है, गुर्दे निकलवाता रहता है, मरीज मरते रहते हैं, दवाइयां बाहर से आती हैं और ये सब मौज मस्ती मारते हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है, सबसे पहले हमारी मांग है कि स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली में संगिनी समूह के द्वारा महिलाओं के द्वारा भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा बहुओं के साथ दुर्व्यवहार के साथ में रिश्वतखोरी का बढ़ावा दिया गया। डॉक्टर व बाबू विवश होकर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्थानीय किसान यूनियन का दबाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हावी है, नियमानुसार कार्रवाई मुख्यमंत्री करें। दूसरा हमारा बिंदु है कि शाहजहांपुर पुबाया रोड पर खन्नौत नदी पर नवीन पुल का निर्माण हो रहा था जिसका धन हरण कर लिया गया और पुल का निर्माण बंद कर दिया गया है। पुल तत्काल सुचारू रूप से कराया जाए और पुल का पूर्णतः विकास कराया जाए। तीसरा है ग्राम पंचायत नागरपाल चांदापुर तक गर्रा नदी का पुल नाप मिट्टी की जाँच के अनुसार नागरपाल से की गई थी जो चांदापुर तक बनना था, लेकिन फरीदापुर के जाकर वहाँ और नौसारा तक बन रहा है। ये राम मूर्ति वर्मा जो समाजवादी पार्टी के राजमंत्री थे उनके इशारे पर दूसरी जगह पुल बन रहा है, वो भी अधूरा है। पुल को पूर्ण कराया जाए और पूर्णता उसी स्थान पर बनाया जाए जहाँ की मिट्टी ली गई और जहाँ का सर्वे हुआ। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।